इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज के मौजू को शुरू करने से पहले इस बात को वाजे कर देना मुनासिब समझूंगा कि हमेशा दो गिरोह रहे। अगर कोरोना की बात कही जाए तो कुछ लोग कोरोना की मौजूदगी को बहुत ज़्यादा मानने वाले लोग हैं, तो कुछ लोग कोरोना को नहीं मानने वाले भी लोग हैं। ऐसा नहीं कि हर बात से इत्तफाक रखना ज़रूरी है, लिहाजा उन लोगों की भी बात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे जो इसको नहीं मानते। लिहाजा आज वज़ीरे आला बसवराज बोम्मई ने रियासत में कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन से बचने के लिए सख्त इकदाम पर अमल करने की बात कही और कहा कि अभी किसी तरह लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। आज बैरूनी ममालिक से केरला आने वालों की टेस्टिंग भी की जा रही थी, लिए तकरीबन 7,000 लोगों की स्वैब टेस्टिंग की बात कही जा रही। वजीर आला ने यह भी कहा कि कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज देने की कोशिश की जाएगी जिन्होंने भी दो डोज पहले लिया है। खैर अब असल बात की तरफ तवज्जो करते हैं। सबसे अफसोस की बात यह है कि कोई भी जो नया डर का खेल खेला जा रहा है इस पर खुलकर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। दरअसल ये साजिश का हिस्सा ही है और आवाम को डर के साए में हमेशा रखने की कोशिश की जा रही है। पहले जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है उन्हें बाजारों में दुकानों पर बैठने नहीं दिया जाएगा ऐसा कहा। फिर हुकूमत की जानिब से जोर जबरदस्ती वैक्सीन दी गई, लोगों ने भी कतार लगाकर वैक्सीन ली। इसलिए नहीं कि अगर ना लगा लिया तो कोरोना हो जाएगा, बल्कि कहीं पर भी जाओ वैक्सीन के दो डोज की बात पूछी जा रही थी। लिहाजा अगर कहीं पर भी किसी दूसरे शहर को जाना हो, खासकर अगर बेलगाम शहर अतराफ के लोगों की बात कही जाए, तो गोवा और महाराष्ट्र को हजारों लोग हर रोज आते जाते रहते और इसी परेशानी से बचने के लिए लोगों ने वैक्सीन लगवा लिए। जबकि आरटीआई के तहत पूछे गए सवाल पर अदालत ने वैक्सीन पर किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं है और अगर आप चाहे तो लगवा सकते हैं ऐसा कहा गया था, लेकिन अगर किसी ने नहीं लगवाया है तो इन्हें कहीं पर भी दाखिल होने की इजाजत नहीं। इस तरह माशरे को दो हिस्सों में भी जानबूझकर बांटने की कोशिश की गई, एक जिसने वैक्सीन लगवा ली है और दूसरा वो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवा ली। लिहाजा अब नया वेरियंट ओमिक्रॉन की कहानी लिखी जा रही है। पहले तो इसी तरह किसी तरह का लॉकडाउन नहीं कहा जाता है, बाद में टेस्टिंग बढ़ाए जाते हैं, फिर पॉजिटिव मरीजों की तादाद भी बढ़ाई जाती है और मौतों के आंकड़े भी बढ़ने लगते हैं। लिहाजा तमाम बातों की कीमत महज गरीब मजदूर आवाम को चुकानी पड़ती है। अब कोई ये बताए कि जब दो डोज लग चुके हैं तो इसे बूस्टर डोज देने की क्या जरूरत है? क्या कोई बूस्टर डोज के बाद भी कोरोना ना होने की गारंटी दे सकता है? लिहाजा WHO किसी भी बात की कोई जमानत देने को तैयार नहीं। आखिर इसके पीछे क्या मकसद है इन्हीं लोगों को मालूम है। अब कल रियासत के वजीर आला बोम्मई दिल्ली जा रहे हैं ताकि कोरोना के नए वेरिएंट पर सलाह मशवरा कर सके, पर क्या यह दौरा महज मशवरा है या WHO के नई गाइडलाइन पर कैसे अमल किया जाए इस पर है समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई हुकूमत के नए नए पॉलिसियों पर सवाल पूछे जाते हैं तो इन्हें देश विरोधी कहा जाता है, लेकिन उन अनभक्तों से हमारी गुजारिश है कि जिस दिशा में ओमिक्रॉन के नाम पर मुल्क को ले जाया जा रहा है इसमें तुम खुद भी फंसने वाले हो। सवाल तो कोई भी नहीं पूछ रहा, जब वैक्सीनेशन तकरीबन हो चुकी है तो ये नए वेरिएंट आते कहाँ से है और बूस्टर डोज की जरूरत क्यों है? अगर हर रोज टेस्टिंग जरूरी थी तो टेस्टिंग को घटाया क्यों और अब क्यों बढ़ाया जा रहा है? और जब टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी तो जाहिर है पॉजिटिव मरीजों की तादाद भी बढ़ जाएगी। आखिर इस साजिश में कौन कौन शामिल है? क्या ये ड्रग माफिया का खेल है? तभी तो कोरोना मर्ज में दुनिया भर में कितनी दवाइयों की खपत हुई। अगर देखा जाए तो दौरे कोरोना में सिवाय प्राइवेट हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, मेडिकल दुकानों के किसने रुपए कमाए बताए तो सही। फिर उसमें भी ब्लैकमेलिंग देखी गई, रेमडेसिविर 10 गुना दाम लगाकर बेचे गए, हॉस्पिटलों में तो लूटमार मचाई गई थी, यहां तक के अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन ना होने की बिना पर सड़कों पर दम तोड़ते लोग भी देखे गए, मरने के बाद भी लाशों को नदी में फेंकने का मंजर भी इसी देश ने देखा है। जिसके बाद भी बहुत अच्छी तरह कोरोना मुसीबत को भगाने में मोदी हुकूमत कामयाब होने के बाद कही गई। देश की आवाम ने अपनों को खोया, कारोबार बंद हुए, फैक्ट्रियां बंद हुई, सैकड़ों दिहाड़ी मजदूर भूखे प्यासे हजारों मील सफर करते हुए मौत के आगोश में सो गए, कई लोग रेल के पटरियों पर कटकर मर गए। शायद तारीख ने ऐसा मंजर नहीं देखा होगा। कोरोना में भारत नंबर 1 हो गया। अभी हालात सुधरते देखा जा रहा है पर नया ओमिक्रॉन की कहानी लिखी जा रही है। अब गरीबों का जीना मुश्किल हो गया, धर्म के नाम पर एक दूसरे का कत्ल करने वालों को समझने की जरूरत है, कोई नहीं बचने वाला है। जिस तरह हर रोज कुछ ना कुछ खबरों के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए किसी के कहने पर कहानियां गढ़ी जा रही है, जब लोग बचेंगे तो खुशी से हिंदू राष्ट्र बना लेना। लिहाजा इंसानियत को बचाने की जरूरत है। अब तो बच्चों को भी वैक्सीन देने की बात कही जा रही है। धारवाड़ में मेडिकल तलबाओं की तादाद
280 से भी ज्यादा बताई जा रही थी, जिसकी खबर नेशनल मीडिया पर बड़ा चढ़ाकर पेश की गई। अब तक भारत में ओमिक्रॉन का कोई मरीज ना मिलने की बात कही जा रही है, तो फिर इतना हंगामा क्यों बर्पा किया जा रहा है? इसका मतलब डर के कारोबार को फिर परवान चढ़ाना है। अफसोस तो मुल्क की आवाम पर होता है, जिनके पास रुपया है वो लोग लॉकडाउन में भी मजे करेंगे, घरों में महीनों का राशन भर देते हैं। किसी में हिम्मत नहीं कि हुकूमत से सवाल किया जाए। इतना जरूर है कि WHO की हिदायत पर ही भारत सरकार अमल करती रही, इसके अपने कोई फैसले नहीं होते। आवाम पर लाठी चलाने से लेकर मुकदमे दायर करने तक के फैसले किसी और के इशारे पर ही होते हैं। अवाम के जहनी गुलाम होने की भी दाद देनी पड़ेगी। बजाय हुकूमत को सवाल करने के, अगर लॉकडाउन का ऐलान होता है तो बाजारों में भीड़ कर जो मिलता है उसे लेकर घर में दाखिल होने की फिक्र में हर कोई लगा देखा जाता है। अगर लॉकडाउन का किसी तरह का ख्याल भी हुकूमत करती है तो इससे सवाल करने की हिम्मत अवाम में नहीं है। कुछ तो ऐसे अंधभक्त है कि मोदी अगर कह रहा है तो देश हित में ही होगा, लेकिन ये अंधभक्ति देश को लेकर ही डूबेगी। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे, इसी तरह तुम्हें किसी नए वेरिएंट की कहानी सुनाकर बंधुआ मजदूर बनाकर रखा जाएगा। कोई एक न्यूज चैनल ने इस पर सवाल कर रहा है और ना ही कोई इस नए वेरिएंट के जरिए देश के आवाम को गुमराह करने की बात कहने की हिम्मत कर रहा है। अब कमसिन बच्चों को भी वैक्सीन देने की तैयारियों में हुकूमत नजर आ रही है। कई मुल्कों में वैक्सीन न लगवाने पर लाखों लोग सड़कों पर आए और उन्होंने एहतजाज भी किया। कुछ लोगों ने इसे साजिश कहा और इसके पीछे इल्यूमिनाटी तंजीम, यहूदी लॉबी या फिर आबादी घटाने की साजिश भी बताया गया। कुछ ने इसे जानबूझकर 2025 तक डर के जरिए दुनिया पर कब्जा करने की साजिश कहा। शक इसलिए भी हो जाता है कि वैक्सीन होने के बाद भी किसी तरह की गारंटी नहीं कि आपको कोरोना नहीं होगा। धारवाड में जिन तलवाओं को पॉजिटिव बताया जा रहा है, सभी ने दोनों डोज लिए थे। वैक्सीन के बाद कईयों में खून की गांठियां होने की बात कही गई तो कई लोग दिल के दौरे से मरने की भी बात सामने आई है। इतना जरूर है कि इंसानी जिस्म में कुदरती तौर पर जरासीम से लड़ने की कुव्वत होती है। लाखों ऐसे गरीब है जिनके पास किसी तरह की सहूलतें नहीं होती, लिहाजा आज भी सेहतमंद होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं कि कोरोना क्या है। आखिर क्या बात है कि कुछ वैक्सीन के बाद भी कोरोना से मर गए और कुछ तो किसी तरह के एहतियाती तदाबीर के बगैर भी सेहतमंद है। तो इस पर भी जवाब दिया जाता है कि हो सकता है कि इसकी इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। ये भी देखा गया कि घर पर इलाज से भी अस्पताल में दाखिल होने वाले ज्यादा मर गए। कुछ लोगों की गलत ट्रीटमेंट से मौत हो गई और अक्सर तो डर की वजह से मर गए। कोई इस बात पर यकीन करे या ना करे, हर एक बार फिर ओमिक्रॉन के जरिए डर फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ से आलमी सतह पर जहनी गुलाम बनाने की मंसूबाबंदी भी कहा जा रहा है और यकीनन जहनों पर कब्जा किया जा रहा है। जब से लोगों में ओमिक्रॉन के बारे में बताया जा रहा है, अक्सर जगहों पर इसी तरह का तस्करा देखा सुना जा रहा है। जरूरत है अब किसी तरह के लॉकडाउन पर अमल ना करने का अज्म करने की जरूरत है। गोदी मीडिया को भी चाहिए कि महज हुकूमतों के एजेंडे चलाने से सही खबर को शाया कर माशरे को बेहतर बनाने की खबर चलाए। कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी कोरोना ओमिक्रॉन के जरिए जहनी गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ने इंसान को आजाद बनाया है और आजादी इसकी फितरत है, लिहाजा हमेशा जहनों को गुलाम बनाने की साजिश का हिस्सा बनने के बजाय पूरी इंसानियत को आजाद जहन के साथ जिंदगी गुजारे। ऐसा आजाद जहन जो खुदाए बरहक के दायरों से बाहर ना जा सके और इंसानियत की खिदमत को अंजाम दे सके, क्योंकि इंसान की जिंदगी मौत का मालिक तो अल्लाह है। जब वो बीमारी देता है तो शिफा भी वही करता है। यह हमारा ईमान होना चाहिए कि इंसान को इजाजत ही नहीं कि वो एक सांस भी ज्यादा अल्लाह की मर्जी से ले सके। हालात हाथ से बीमारियां महज बहाना है। बाज औकात मौत इस तरह आ जाती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसका यह मतलब नहीं कि कोई शख्स बीमार हो जाए और इलाज ही ना करे, क्योंकि इलाज में ही शिफा है। लिहाजा नए वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है। जहन को मुंतशिर करने की साजिश हो सकती है। अपने कारोबार, नौकरी, तिजारत में मसरूफ रहो। अगर हुकूमत मरीज बढ़ने की बात कहते हुए कारोबार को बंद करने की बात कहे तो इसकी मुखालिफत होनी चाहिए। इससे पहले भी हमने कहा था कि यह खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस बात पर भी तवज्जो दे सके कि लोग हमारी बात से इत्तफाक रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि कईयों ने लोगों के मरने की दलील देते हुए इसे सही ठहराने की कोशिश की। और ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, क्या फॉरेन के लोग पागल है क्या, तुम्हें ही अकल है क्या, ऐसी बातें भी कही जा रही है। लिहाजा हमें तो इसमें साजिश की बू आ रही है। तो हमने कहा अगर किसी को ओमिक्रॉन का डर लग रहा है तो अभी से लॉकडाउन हो जाए, इसमें आपकी ही मर्जी है। जब से ओमिक्रॉन वेरिएंट का तस्करा जारी है तब से नए नए कानून लागू किए जा रहे हैं। इससे पहले वैक्सीन के दो डोज या फिर RT-PCR कहा जा रहा था,
लेकिन आज वजीर सेहत के सुधाकर ने कहा कि जो भी मुसाफिर हवाई जहाज से सफर करेगा इसके लिए आरटीपीसीआर की सख्ती की जाएगी, और आगे कहा कि आवाम को चाहिए कि हुकूमतों का ताउन करे। अब इसे क्या कहा जाए, एक तो आवाम को मुश्किल में डालो, परेशान करो, और फिर कहो कि ओमिक्रोन से लड़ने के लिए हुकूमत का साथ दे। अब आवाम को ही फैसला लेना है कि किस तरह हुकूमत के हिदायत पर अमल करे। डीके शिवकुमार, रमेश की दुश्मनी शिद्दत इख्तियार करते नजर आ रही है। हाल ही में साफियों के सवाल का जवाब देते हुए रमेश जारकीहोली ने कहा कि जारकीहोली कौन है और इसका क्या मर्तबा है, ये तो नतीजे के दिन ही उसे दिखाऊंगा। मेरे सामने डीके शिवकुमार कौन है, इसकी क्या बिसात है, अगर हिम्मत है तो मैदान में आ जाए, इस तरह चुनौती भरे अल्फाजों में धमकी दी। अब फिलहाल खामोश हूँ, लेकिन 14 तारीख को नतीजे के दिन बोलूंगा, ऐसा भी कहा गया। हुबली के निजी होटल में भाजपा कारकुनान में आपसी इख्तलाफात मंजर आम पर आने की इत्तला हासिल हुई। जोरदार अल्फाजी जंग भाजपा के सीनियर लीडर और रानी वेन्नूर के एमएलए अरुण कुमार और एमएलसी मेंबर आर शंकर के दरमियान ओहदे को लेकर जोरदार बहस मुबासा हुआ। यहां तक हाथापाई की भी बात कही जा रही है। तमाम भाजपा लीडरों की मौजूदगी में ये वारदात पेश आई, लिहाजा भाजपा में भी आपसी इख्तलाफात शिद्दत पर नजर आ रही है। लेकिन साबिक वजीर आला जगदीश शेट्टर ने किसी तरह का बहस मुबासा नहीं हुआ कहकर मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की। आज वजीर आला बसवराज बोम्मई ने फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को एंटी कोविड बूस्टर देने की बात कही और कहा कि बच्चों को भी वैक्सीन देने पर मशवरा किया जा रहा है। कल 2 तारीख को इसी ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बसवराज बोम्मई दिल्ली पहुंचकर मरकजी वजीर सेहत से गुफ्तगू करेंगे ताकि ओमिक्रॉन के खात्मे के लिए मनसूबाबंदी कर सके। बेलगाम में अधिवेशन की तैयारी जहां जोरों पर है, वहीं पर क्या ये सेशन होगा या नहीं, इस पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर बेलगाम मौसम सरमा सेशन को मुलतवी करने के इम्कान रोशन होते दिखाई दे रहे, लिहाजा अगले हफ्ते मरीजों की तादाद पर फैसला लेने की बात कही जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।